गट्टू इन क्रूज। गट्टू चिंकी ने जमीन पर सफर किया था, हवा में सफर किया था, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी ने पानी पर सफर ही नहीं किया था। पापा, आपने हमें ट्रेन में सफर करवाया, एयरप्लेन में सफर करवाया, लेकिन शिप तो छूट ही गया। पापा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो। मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने भी अब तक किसी शिप में सफर नहीं किया। पानी में सफर? ना बाबा ना, पानी से मुझे बहुत डर लगता है। देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी पानी से डरती है, फिर हम किसी क्रूज में बैठकर दिन रात समंदर की यात्रा कैसे करें? बोलो। ये सुनकर बेचारे गट्टू चिंकी की आंखों में पानी आ गया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। गट्टू चिंकी पानी में सफर करने की बात भूल भी गए। और एक दिन जब दोनों स्कूल से लौटे तो मम्मी पापा ने उनके सामने जोरदार धमाका किया। अरे अरे नहीं नहीं, असली वाला धमाका नहीं। कौन सा धमाका वो आप खुद सुन लो। बच्चों, अगले चार दिन हम चारों में से कोई भी ना तो जमीन पर चलेगा, खाएगा, सोएगा और ना ही कुछ करेगा। चिंकी बेचारी चिंतित होकर बोली, क्या बात है पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिगड़ी नहीं है बेटा, तबीयत सुधरने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारी समंदर में यात्रा होने वाली है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कहा आपने? हमने कुछ गलत सुना क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने। हम चार दिन एक आलीशान क्रूज में बैठकर दिन रात समंदर की यात्रा करने वाले हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाचने लगे और नाचते नाचते अपने पापा को बिलक गए। मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें क्या लगा हमारा सपना नहीं है तुम्हारे साथ पानी में सफर करने का? बस पापा का बजट नहीं था इसलिए मैंने डर का बहाना बनाया, लेकिन अब पापा का बजट बन गया है, अब मुझे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम सब क्रूज में जाएंगे और रात दिन पानी का सफर एंजॉय करेंगे। ये! और आ ही गया वो दिन जिसका था गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार। दूसरे दिन सुबह ही गट्टू चिंकी बोर्डिंग टाइम से कुछ घंटे पहले ही टैक्सी में बैठकर पोर्ट पहुंचे। गट्टू चिंकी पहली बार जहाजों का स्टेशन यानी पोर्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे। पोर्ट काफी विशाल था, वहाँ छोटे मोटे जहाज और सैकड़ों लोग थे, बहुत मजा आ रहा था। अब हम अपनी क्रूज कंपनी की बस में बैठकर क्रूज तक पहुँचेंगे। फिर चारों एक बस में बैठ गए और बस ने उन्हें क्रूज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्रूज इतने विशाल, इतनी महाकाय थी कि वह गट्टू चिंकी की छोटी छोटी आंखों में समा ही नहीं रही थी। गट्टू काफी एक्साइटेड था, लेकिन क्रूज देखकर चिंकी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, क्रूज मतलब पानी पर तैरने वाला आलीशान होटल। अब देखो, तुम अभी डर रही हो लेकिन अंदर जाते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी। और वही हुआ। गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और काफी सारे लोग जब क्रूज में आकर घूमने लगे तो ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी ऐसी दुनिया में आ पहुंचे हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिच है। अंदर क्रूज का पूरा इंजीनियर डेक, कमरे, सब कुछ ऐसा था मानो किसी 5-स्टार होटल का नजारा हो। वाओ, क्या रौनक है यहाँ। चार दिन नहीं, मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। हमारा कमरा ओशियन व्यू वाला है, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक कमाल दिखाता हूँ। ऐसा कहकर पापा ने एक पर्दा हटाया तो कांच से समंदर का काफी खूबसूरत और बढ़िया सा व्यू नजर आया। सब लोग वो नजारा देखने में खो गए थे कि अचानक सब हिलने लगे मानो भूकंप आया हो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। गट्टू, तुम भूल गए, हम जमीन पर नहीं है बेटा, पानी पर खड़े हैं। और ये भूकंप नहीं है, क्रूज हिल रही है क्योंकि हमारा सफर शुरू हुआ है। ये! अब क्रूज का सफर शुरू हो और सब लोग कमरे में चुपचाप बैठे रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग अपने अपने कमरे से निकलकर हल्का हल्का हिलते डुलते हुए क्रूज में भटकने लगे और इंजॉय करने लगे। क्रूज में काफी सारे डेक थे। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ अलग अलग डेक जाकर समंदर का ओपन व्यू देख रहे थे। चारों तरफ बस समंदर का नीला पानी था। शाम हो चुकी थी, ठंडी ठंडी तेज हवा लहरों को छूकर गट्टू चिंकी को गुदगुदी कर रही थी। सब कुछ खुला खुला, कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं था। क्रूज पर स्विमिंग पूल भी था जिसमें कुछ लोग मस्ती कर रहे थे,
बाकी भी बहुत सारे फन एलिमेंट्स थे। तभी रात हो गई और क्रूज की चमक धमक और ज्यादा बढ़ गई। चारों तरफ क्रूज पर बस लाइट्स ही लाइट्स टिमटिमा रहे थे और क्रूज के चारों तरफ काला घना समंदर का गहरा पानी था। फिर मम्मी पापा गट्टू के साथ क्रूज के अंदर की दुनिया में आए। वहाँ बहुत बड़ा होटल था। सबने मिलकर डिनर किया। खाना काफी स्वादिष्ट और वैरायटी बाज था। फिर सब लोग थिएटर में गए। मुझे तो आज ही पता चला कि शिप में थिएटर भी होता है। सब लोगों ने थिएटर में डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम एंजॉय किया। फिर पापा ने सबको क्रूज के और पार्ट्स भी दिखाए, जिसमें जिम, लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल और भी बहुत कुछ था। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्रूज नहीं, समंदर के पेट में सफर करने वाली मछली है और उसके पेट में ये इतनी शानदार दुनिया बसी हुई है। ये सुनते ही पापा बोले, अरे चलो मुझे तुम्हें कुछ काफी इंटरेस्टिंग दिखाना है। फिर पापा फिर से सबको लेकर एक ऐसे डेक पर आए जहाँ से समंदर का सामने वाला नजारा काफी विशाल दिख रहा था। पापा आप क्या दिखाने लाए हो हमें यहाँ? कुछ मत बोलो, बस चारों तरफ ध्यान से देखते रहो। गट्टू चिंकी शांति से इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक गट्टू चिल्लाया, अरे वो देखो डॉल्फिन! समंदर के काले गहरे पानी में से सफेद सफेद सिल्वर सिल्वर चमकीले डॉल्फिन ऊपर छलांग मार रहे थे और वापस पानी में गायब हो रहे थे, मानो वो उछल उछल कर गट्टू चिंकी के क्रूज का स्वागत कर रहे थे। और क्रूज उन डॉल्फिन के बीच से रास्ता बनाती हुई बढ़ती जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।